Marghuzar White Palace, lush green, सेब के दरख्त, फूल, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं वाइट पैलेस मरगुज़ार में मौजूद हूँ। आज मैंने आपको बताना है वाइट पैलेस के हवाले से, तो मेरे साथ रहे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट शफीउल्लाह मौजूद है। शफीउल्लाह, कैसे हैं आप और कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं, क्या वजह है कि आप इधर आए हो? सफेद महल देखने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो बहुत खूबसूरत जगह है, चूँकि गर्मी है तो इस दिनों में लोग जो है ज्यादातर इधर आते हैं। अच्छा, तो यहाँ मौसम बहुत खुशगवार होता है। अच्छा, तो बादल भी अभी छाए हुए हैं। बिल्कुल, बादल छाए हुए हैं, तो मैंने भी सोचा कि हम भी उधर चलते हैं। आप मेरे साथ आए हो? बिल्कुल जी, आपके साथ आए हैं। तो मैंने सोचा कि यार चलो वाइट पैलेस देखते हैं। ठीक है, तो वाइट पैलेस तो काफी खूबसूरत जगह है। यहाँ जितने भी पहाड़ है उसके दामन में जो है ये वाइट पैलेस है। वाइट पैलेस दरअसल वाली जो बादशाह साहब थे, सवात की जो वाली थी, उन्होंने 1941 में ये होटल बनाया था। दरअसल ये उस वक्त जो था उनकी एक रिहाइश गाह थी, और ये गर्मियों के दिनों में यहाँ आते थे, यहाँ उनकी अदालत लगती थी, यहाँ उनकी जो है सारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है इधर से जो है वो कंट्रोल करते थे। तो खूबसूरत जगह है विज़िट करने के लिए। तो यहाँ मलका अलजबत भी आ चुकी है। यहाँ बिल्कुल बहुत सारे जो उस वक्त के जो डिग्निटीज़ थी वो आए थे, इसमें क्वीन एलिजबेथ जो थी वो भी इधर आई थी, उन्होंने यहाँ टाइम गुजारा था। और उसके साथ लियाकत अली ख़ान जो हमारे पहले वज़ीर आज़म थे वो भी विज़िट कर चुके हैं। अयूब खान सदर जो थे हमारे, वो भी उन्होंने इस जगह को जो है विज़िट किया। तो काफ़ी सारे पाकिस्तान में और फॉरनर जो है वो इधर आए हैं और ये जगह उन्होंने विज़िट किया। काफ़ी खूबसूरत जगह है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैदुर्रहमान से बात करते हैं। सैदुर्रहमान, ये खैबर न्यूज़ के ब्यूरो चीफ है और काफ़ी फेमस एंकर भी है, रिपोर्टर भी है, क्या कहेंगे वाइट पैलेस के हवाले से? थैंक यू सो मच टाइम देने का। शिरदा साहब, इस तरह है कि वाइट पैलेस जो है ये इसकी अपनी एक नौइयत है। ये स्टेट के दौर में स्टेट का जो बादशाह था उसने गर्मी के सीज़न के लिए अपना ये महल बनाया था और इधर पे स्टेट के दौर के फैसले होते थे। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इसमें जो संग मरमर इस्तेमाल हुए हैं तो ये कहा जा रहा है कि ये ताजमहल में जो इंडिया ताजमहल में जो संग मरमर इस्तेमाल हुए हैं ये आगरा से मंगवाई गई थी और इधर भी वही संग मरमर जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। तो इसकी अपनी तारीखी हैसियत है और उनको देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं काफ़ी बड़ी तादाद में। पहाड़ों के दामन में ये वाक़ा है, इधर का मौसम भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है और यही वजह है कि फैमिलीज़ और ज़्यादातर बाहर से जो लोग आते हैं तो यहाँ ज़रूर इस इलाके का जो है वो विज़िट करते हैं। इससे ऊपर इलम की पहाड़ी है तो उसकी भी एक तारीखी हैसियत है। यहाँ पे रामचंद्र जी का तख्त है और जब स्टेट के दौर में इंडिया और इधर से जो उनके मजहबी पैरोकार थे वो यहाँ पे आया करते थे और अपनी मजहबी रसूमात भी यहाँ पे अदा करते थे। बहुत शुक्रिया, काफ़ी इंफॉर्मेशन आपके पास थी। ये ऊपर दो फ्लोर्स मज़ीद ऊपर है, पहाड़ों पे है, पहाड़ के बिल्कुल, ये घने जंगलात है यहाँ पर। वाइट पैलेस मरगुज़ार ये तकरीबन मिंगवरा शहर से 14 किलोमीटर के फासिले पर है और तकरीबन 15 मिनट में आप यहाँ पहुँच सकते हैं।
रास्ता बेहतरीन है, पुख्ता रास्ता है, और गर्मियों के मौसम में काफ़ी तादाद में सयाह यहाँ आकर रुकते भी हैं और विज़िट भी करते हैं, फिर वापस में गवारा शहर चले जाते हैं। तो ये चूँकि ये बादशाही महल है, एक तारीखी विरसा है। मेरा नाम सुलेमान है, मैं होटल वाइट पैलेस का फ्रंट ऑफिस मैनेजर हूँ। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ मतलब अगर कोई आना चाहते हैं, बुकिंग करना चाहते हैं, तो क्या तरीक़ेकार है? यहाँ पे ये कि आजकल का सीज़न है तो सर रश ज़्यादा है, तो फ़ोन पे भी पहले से अगर रिजर्वेशन हो तो फिर गेस्ट के लिए कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पे जाके वीकेंड पे के अलावा भी यहाँ पे आके गेस्ट के लिए रूम अवेलेबल मिल सकते। कितने कमरे हैं यहाँ पर? यहाँ पे तो 14 रूम है हमारे। अच्छा, रेट वैसे मतलब अप डाउन होता है रश के हिसाब से? ये आजकल सीज़न में हम 5,000 तक चार्ज करते हैं, सीज़न में फिर आप सीज़न में सर्दियों में फिर डिस्काउंट है, 30% फिर डिस्काउंट देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो तरीक़ेकार फ़ोन पर भी हो सकता है? फ़ोन पे भी हो सकता है। तो फ़ोन नंबर किस तरह राबिता करेंगे? ये कि मोबाइल पे भी और पीटीसीएल पे भी राबिता कर सकते। पीटीसीएल नंबर तो 09460 उस बात का कोड है जी, और 8652703 तक है हमारे। ठीक ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताया कि खाने पीने की क्या सूरत है यहाँ पे? तो चाइनीज़ पाकिस्तानी सब खाने अवेलेबल होते हैं, तो उस टाइम पे आधे घंटे में तैयार करते हैं। जैसे गेस्ट आर्डर दे तो हम आधे घंटे में तैयार करते हैं। थोड़ा सा तारीख के हवाले से भी बताएं। ये वाइट पैलेस इसलिए मशहूर है, ये फर्स्ट किंग सुल्तान मियागुल अब्दुल वदूद इनका समर पैलेस था। अच्छा, 1941 में ये बना हुआ है। ये मार्बल उस वक्त इंडिया से लेकर ताजमहल जयपुर में जो मार्बल इस्तेमाल हुई वही मार्बल, इसलिए ये मशहूर। ये मलका बरतानी 61 में बैठी और यहाँ पे कई आम शख्सियात यहाँ पे विजिट कर चुके हैं, जना यूसुफ साहब और लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, जो सदर आरिफ अलवी साहब भी आए थे, यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए ये तारीख़ खासियत क्या है यहाँ का? यहाँ के मौसम की भी सवाद के हवाले से यहाँ के मौसम भी थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, वजह की यहाँ के ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है यहाँ पर। अच्छा, अगर कोई आम गाड़ी में आना चाहते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर है? मिंगौरा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलती है और टैक्सी वगैरह भी आप यहाँ अवेलेबल होती है। अच्छा, अगर कोई यहाँ आते हैं तो आप लोग रेंट कार भी फराहम करते हैं? रेंट कार भी, बिल्कुल। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रेस्टोरेंट ये हमारे साथ कुछ सयाही हुए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मामा शकील। अच्छा शकील साहब, आप कहाँ से आए और आपको ये जगह कैसा लगा? सिंध से आए, सिंध के शहर टंडवादम से आए हम। अच्छा, टंडवादम से। हमने काफ़ी नाम सुना था इसका, वाइट पैलेस का, माशाल्लाह से अच्छा लगा हमें यहाँ का व्यू।
और इसी वजह से हम लोग जो ना वहाँ से घूमने के लिए आए बच्चों के साथ ना। ठीक, बहुत अच्छा जो ना पॉइंट है यहाँ पे घूमने के लिहाज से और रहने के लिहाज से भी है यहाँ पे, और दूसरा कि पुरसकून माहौल है। Oh.